तो मैंने एक ही गाना भेजा था उनको पसंद आ गया था तो थोड़ी चेंजेस उन्होंने किए थे बट आई वाज सरप्राइज कि ये इतना इंटरेस्ट लेते हैं पर्सनली इनकी मैंने समझा था कि इनकी टीम है वो मेरे को फ़ोन करेंगी बट ये रात के बारह बजे एक बजे दो बजे तीन बजे चार बजे इनका फ़ोन आता है तो एक बार बोले ब्रो ब्रो ये गाना इतना फास्ट क्यों बना दिया आपने मैंने बोला आपने बोला था इश्क के टेम्पे पर चाहिए मैंने वैसे ही बनाया था स्लो बना के भेजो बट इट्स बिन अन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई एंड एक्सपेक्ट यू टू बी सो हैंड ऑन कुछ सीखने को मिला मेरा को कि यू नो यू एस सच सो डाउन टू अर्थ एंड यू टेक सो मच इंटरेस्ट इन यूर वर्क इट्स इट्स बिन अ ब्लेसिंग वर्किंग विद यू थैंक यू सो मच तो सुखबीर uh, भाजी मुझे दुबई में मिले आबुदाबी में एक्चुअली आबुद धाबी में ले तो ऐसे क्या कर क्या रहो शो 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 ऐसे कोई पिक्चर ने गाने ऐसे नहीं कुछ नहीं ऐसे वो, वो मुझे एक गाना दे दो एक फिल्म के लिए इस किस टाइप का गाना चाहिए आज एक, तासे एक तासे एक बहुत ही मशहूर सिंगर है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक दो गाने पे निकाली है वेरी टैलेंटेड माइंड कौन है As a पाजी आप तो इन द द नेक्स्ट नेक्स्ट डे डे स्टार्ट लाफिंग Otherwise, ये गाने इस फिल्म में नहीं होते तो मैंने तो मैंने बिल्ली बिल्ली भेजा था उसके बाद एक sample, दूसरा गाना मैंने भेजा था तो उन्होंने बोला मेरे साथ जस्सी पाजी बैठे हैं उन्होंने तीसरा गाना दिया तो मैं गाना तो एक देने वाला था तीन गाने मेरे ले लिए दोनों का मिक्स करके एक बनाया और एक बार आपको शायद पता नहीं होगा ये लिरिक्स बहुत अच्छे लिखते हैं

बट जब गाना दे रहे होते हो तो टेंशन होती है कि लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी मेरी जर्नी एज अ कंपोज़र शुरू कहाँ से हुई मैंने पहला सिंगल किया था अपना सजना वे करके। एंड उसको भाई ने शेयर किया था तब से मैंने सोच लिया यार ये ऊपर वाले का साइन है अगर भाई ने शेयर कर दिया तो मैं आ जाती हूँ एंड uh, भाई के लिए काम करना इज़ लाइक माय ड्रीम कम ट्रू मैं तो ड्रीम भी नहीं मतलब तो ड्रीम में सोच भी नहीं सकती थी सो so, uh, भाई के लिए बनाया मतलब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मैं तो डर डर के गाना बनाया मैंने मैंने बोला पता नहीं भाई से बहुत सुनने को मिलेगा अगर अच्छा नहीं हुआ तो एंड मैं इतना डर के एंड हमने ऑलमोस्ट एक रात में ही ये यंटम्मा क्रैक किया एंड जब मुझे आया कि भाई रियली लाइक डिट मैंने बोला नहीं यार मजाक मत करो <laughs> मेरे साथ मजाक मत करो तो उन्होंने बोला नहीं सच में तो जिस दिन शूट भी हो रहा था मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा काम किया है मतलब इससे बेटर आई डोंट थिंक मेरे लाइफ में इससे बड़ा कुछ हो सकता है कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं भाई के लिए कंपोज कर पाई लाइक मैं आई डोंट मच भाई तो हमने गाना हम एक गाना ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुके थे कि ये हम एक हफ्ते में ये गाना शूट करना शुरू कर देंगे और फिर एक गाना और आया और जैसे मैंने यंटमा यंटमा सुना मैंने वाला गाना बंद कर दो ये गाना है इसे गाना सुन तो लाए नहीं हो गया गाना या नाउ डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग ये स्क्रैच है नाउ विल डू इट आई मीन इट्स बिकम लाइक द एंथम आल्सो इट लाइक इवन टुडे वी केप प्लेइंग इट अ लेडी हु हैज बीन अटैच्ड विद यू फॉर सो मेनी इयर्स यू नो वन ऑफ द पूरी one one इंडस्ट्री में इतने सारे गाने थे पलक के मैं जब रेडियो में होता था हर अ सॉन्ग बट नो यू बीन अटैच विद सलमान सर फॉर सो मेनी इस वाले फिल्म में भी एक और गाना है येस yes, इनका तो चार साल का गैप हो गया लेकिन यू बीन ऑल्स वेरी वेरी बिजी पलक जस्ट टू बी विद सलमान सर जस्ट uh, uh, लेट्स ही इज़ वन ऑफ़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ सिर्फ मेरे सिंगिंग करियर में ही नहीं बल्कि मेरे हार्ट पेशेंट्स के मिशन में भी सो ने कई सारी सर्जरीज करवाई है सो येस इट्स ऑलवेज स्पेशल जब भी सो के साथ मेरा गाना आता है उसे बहुत सारा प्यार मिलता है एंड नयो लगदा भी सबको बहुत पसंद आ रहा है सो बहुत खुशी है वो सब ने इज़ लॉज द प्लॉट एट्टीज नाइन्टीज़ का गाना है हाउ जो डू एल इज बिकम एर एगेंट ऐसे नहीं भाई मेरे को पसंद आता है मेरी पिक्चर है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ गाना हाँ और अगर ये नहीं चलेगा हाँ तो इसमें यह नहीं होगा कि अगली पिक्चर में आप बोलोगे कि आप आके इंटरफेयर करो उसमें भी ये मौका नहीं मिलेगा <laughs> तो चिल करो जब तक तो कि डिरेक्टर को पसंद है हीरोइन को पसंद हीरो को पसंद है तो हमने वो गाना डाल दिया एंड देन शी ऑलरेडी संग द सॉन्ग ये गाना दस साल से पढ़ा था ये तो हाँ गुड वर्क ये चैरिटी वगैरह भी बहुत अच्छा कमाल का करती हैं सो so, अब तो सर्डली बिजी भी हो गई शादी वादी करके पर, <laughs> <It's true. laughs> तो एक्चुअली हमने इनको फिल्म में एक रोल ऑफर किया था इस फिल्म में या, या उनके बड़े पापा ने बोला क्या नहीं करना मम्मी यहाँ बैठी है सब मम्मी सब को पता है किधर बैठी मम्मी <laughs> बैठी सब है। सब है। सब है। तो इन्होंने नहीं किया फिर आई थिंक बाद में uh, मम्मी और डैडी ने बड़े पापा को कन्विंस किया बट जब तक के वो रोल चला गया था चलो कोई ना नेक्स्ट टाइम